तो जब मैं रिसर्च कर रहा था अपना, तो मेरे हाथ कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट्स लगे, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आए, ऐसे ऐसे प्रूफ्स मेरे पास आए, जिसको लेके मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि क्या COVID-19 एक बीमारी है भी या नहीं। ना इससे पहले कि आप मुझे बोलो कि अरे COVID-19 कोई बीमारी नहीं है, तो लोग इतने ज़्यादा कैसे मर रहे हैं, लोगों का किस चीज़ के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहा है, मेरे दिमाग में भी वही क्वेश्चंस था और वैसे ही डाउट्स आ रहे थे। लेकिन कितने लोग मर रहे हैं, क्यों लोग पॉजिटिव दिखा रहे हैं, इस चीज़ को ना थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान से हटाओ और मैं अभी आपके साथ कुछ ऐसे फैक्ट शेयर करूँगा, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट शेयर करूँगा और कुछ ऐसे प्रूफ शेयर करूँगा ना कि सच में आप शॉक हो जाओगे। मैं सीधा साधा आपको फैक्ट्स दिखाऊँगा, एविडेंस दिखाऊँगा, आप कंक्लूजन ड्रॉ करना कि क्या मैं सच कह रहा हूँ क्या झूठ कह रहा हूँ, वो कंक्लूजन ड्रॉ करना आपके हाथ में है, क्योंकि ये चीज़ आपको न्यूज़ में किसी ने दिखाया ही नहीं। उस फैक्ट्स को शेयर करने से पहले मुझे सबसे पहले आपको चाइना लेके चलना पड़ेगा, तब जब पहली बार लोगों के जहन में आए कि हाँ भाई COVID-19 नाम का कोई चीज़ भी होता है। तो चाइना में जब 2019 में दिसंबर के समय में लोग बीमार होने लगे किसी भी रीज़न से, उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये SARS-CoV-2 है या COVID-19 है या कोरोना वायरस का कोई और प्रजाति है, कोई नहीं जानता था। पहली बार दिसंबर के समय में चाइना में लोग बीमार पड़ने लगे किसी भी रीज़न से, तो लोग ने कह दिया कि बैट से ये बीमारी इंसानों में शिफ्ट हुआ। लेकिन उस समय जो लोग बीमार हुए थे तो उनकी बॉडी में से सैंपल लिया गया और उन उस सैंपल को इन्होंने कभी प्योरीफाई नहीं किया। मतलब जैसे कि अगर मेरे नेजल स्वॉप में से अगर कोई सैंपल लेता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें मेरा सलाइवा हो सकता है, उसमें मेरा RNA फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, DNA फ्रैगमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो उस सैंपल में बहुत सारे जीनेटिक मटेरियल्स थे वायरस के अलावा, क्योंकि इनको लगा कि वो वायरस था। तो इस सारे जीनेटिक मटेरियल से इन्होंने कभी भी इस वायरस को, जो कि कह रहे हैं कि SARS-CoV-2 है, यानी SARS-CoV-2 वायरस है जो COVID-19 बीमारी देता है, अदर रेस्ट ऑफ द जीनेटिक मटेरियल से उस SARS-CoV-2 वायरस को इन्होंने कभी प्योरीफाई करके आइसोलेट किया ही नहीं। अब सैंपल के सारे जीनेटिक मटेरियल से उस वायरस को, जिस वायरस को आप क्लेम कर रहे हो कि इस वायरस से लोग बीमार पड़ रहे, उस वायरस को आइसोलेट करना, प्योरीफाई करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए आपको कोक्स पोस्टुलेट समझना पड़ेगा। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, 4 क्राइटेरिया है जो डिसाइड करता है कि हाँ यही वायरस या यही बैक्टीरिया जो आप क्लेम कर रहे हो यही दूसरों को बीमार कर रहा है। अब ये मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो इस कोक्स पोस्टुलेट का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है कि इन सारे इंसानों को इसी वायरस ने बीमार बनाया, उन सारे बीमार लोगों को सेम सिम्टम्स होना चाहिए, ये पहला क्राइटेरिया है। सेकेंड क्राइटेरिया है कि वो लोग जिनको आप डाउट कर रहे हो कि ये एक पर्टिकुलर वायरस से ये लोग बीमार हुए हैं, उस ग्रुप में से या उन लोगों में से किसी एक इंसान के बॉडी में से आपको सैंपल लेना पड़ता है और उस सैंपल में बहुत सारे जीनेटिक मटेरियल्स रहते हैं उस वायरस के अलावा, क्योंकि आप क्लेम कर रहे हो कि ये वायरस है, तो उस वायरस के अलावा बहुत सारी चीज़ें होते हैं, DNA फ्रैगमेंट्स होते हैं, RNA फ्रैगमेंट्स होते हैं, सलाइवा होते हैं, ब्लड, मैं बायोलॉजी नहीं जानता लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सारे जीनेटिक मटेरियल से आपको स्पेसिफिकली वो वायरस को आइसोलेट करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है, जिसको आप क्लेम कर रहे हो कि ये वायरस लोगों को बीमार कर रहा है, आपको उस वायरस को आइसोलेट करना पड़ता है सारे जीनेटिक मटेरियल से। ये सेकेंड क्राइटेरिया है। और थर्ड क्राइटेरिया है कि इस आइसोलेटेड वायरस को आपको किसी नॉर्मल हेल्दी इंसान की बॉडी में ये वायरस को डालना पड़ता है। ये हेल्दी इंसान होना चाहिए, हेल्दी और फिट इंसान होना चाहिए, और इस आइसोलेटेड वायरस को जब आपने इस इंसान की बॉडी में डाला तो इस इंसान को वो सारे सिम्टम्स आने चाहिए जो उन लोगों की बॉडी में भी सिम्टम्स था जिनके बॉडी में से आपने फर्स्ट सैंपल लिया था। ये थर्ड क्राइटेरिया होता है। और फोर्थ क्राइटेरिया ये होता है कि वो आइसोलेटेड वायरस आपने जिस इंसान के बॉडी में डाला, इस इंसान के बॉडी में से फिर सैंपल लेके उस वायरस को फिर से आइसोलेट करके किसी तीसरे इंसान के में डालना पड़ता है और देखना पड़ता है कि वो उस इंसान को सेम सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं। मतलब आपको पहले ग्रुप से निकाल के आइसोलेट करके दूसरे में डालना पड़ता है, दूसरे इंसान में, नॉर्मल हेल्दी इंसान में, फिर इसके बॉडी में से वो सैंपल लेके उसको फिर से आइसोलेट करके उस वायरस को, क्योंकि इस केस में SARS-CoV-2 का हम टेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि SARS-CoV-2 वायरस COVID-19 बीमारी देता है। ओके, तो
इस निकाल के फिर थर्ड इंसान में डालना पड़ता है यही आइसोलेटेड वायरस, ताकि सबको यही सिम्टम्स हो, तब जाके आप कन्फर्म हो सकते हो, तब जाके ये चीज़ मेडिकली साइंटिफिकली कन्फर्म होता है कि यही आइसोलेटेड वायरस दूसरों को बीमार कर रहा है। मतलब ये वायरस किसी और के बॉडी में जाएगा तो वो इंसान ज़रूर बीमार पड़ेगा। ये कोक्स पॉस्टुलेट्स बेसिक सा चीज़ है ना, लेकिन सो कॉल्ड COVID-19 के मामले में इन्होंने कभी भी, जो फर्स्ट केस आया था लोगों का जो ये कह रहे थे कि ये किसी वायरस की वजह से ये इंसान बीमार पड़ रहे हैं, उनके बॉडी में से कभी भी इन्होंने उस वायरस को जो क्लेम करे कि SARS-CoV-2 है, इस SARS-CoV-2 वायरस को इन्होंने कभी आइसोलेट किया ही नहीं। अब इस चीज़ का प्रूफ अभी आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे आप इस चीज़ पे फोकस करो। बट नॉट अ सिंगल टीम कुड आंसर द क्वेश्चन विद यस एंड एनी। Nobody said purification was not a necessary step. We only got answers like, no, we did not obtain an electron micrograph showing the degree of purification. See below. Nature Medicine, जो कि एक बहुत खतरनाक और बहुत prestigious journal, उसमें ये study को print किया गया था। Study number one, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास कभी SARS-CoV-2 का purified और isolated virus आपके पास है, तो उनका answer था कि The image is the virus budding from an infected cell. It is not purified virus. मतलब study one, इन्होंने कभी उस वायरस को, बाकी सारे genetic material से इन्होंने कभी उस वायरस को isolate किया ही नहीं। और जबकि मैंने आपको अभी facts दिखाया कि किसी भी genetic material से वायरस को, जिस वायरस को आप क्लेम कर रहे हो कि ये वायरस दूसरों को बीमार कर रहा है, उस वायरस को isolate करना कितना important रहता है। ये बहुत basic चीज़ है, बुद्धू से बुद्धू इंसान भी समझ जाएगा। जो एक मेडिकल कॉलेज में जो इंसान फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी हो अगर, और वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हमेशा कॉलेज बंक भी करता हो ना, वो भी ये बात समझ जाएगा। अब स्टडी नंबर टू देखो, यहाँ पे इन्होंने कोरिया के एक पेशेंट के बॉडी में से सैंपल लिया और उस सैंपल का टेस्ट हुआ। तो जब उनसे पूछा कि अदर जेनेटिक मटेरियल से क्या आपने कभी उस वायरस को आइसोलेट किया, प्योरीफाई किया, ये दूसरा स्टडी है कोरिया में, उनका भी आंसर था वी कुड नॉट एस्टिमेट द डिग्री ऑफ प्योरीफिकेशन बिकॉज वी डू नॉट प्योरीफाई एंड कंसेंट्रेट द वायरस कल्चर्ड इन सेल्स। नो आइसोलेशन, नो प्योरीफिकेशन। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन उस क्वेश्चन पूछने से पहले आपको ये बाकी का स्टडी, दो स्टडी मैं आपको दिखाता हूँ। स्टडी नंबर थ्री, थर्ड स्टडी भी कोरिया का ही है, जब सो कॉल्ड COVID-19 का फर्स्ट पेशेंट जब कोरिया में डिटेक्ट किया गया था, लोगों आइडेंटिफाई किया गया था, जर्नल ऑफ कोरियन मेडिकल साइंस में ये स्टडी पोस्ट किया गया था, पब्लिश किया गया था 24 February 2020 को। और जब वॉन ब्यूम पार्क को जब पूछा गया क्या आपके पास प्योरीफाइड वर्जन है इस वायरस का, तो उनका जवाब था वी डिड नॉट ऑब्टेन एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ शोइंग द डिग्री ऑफ प्योरीफिकेशन। फोर्थ स्टडी, अ नोवल कोरोना वायरस फ्रॉम पेशेंट विद न्यूमोनिया इन चाइना, 2019 में ये उनका बॉडी में से, एक चाइनीज पेशेंट के बॉडी में से सैंपल लेके टेस्ट किया गया, और उसका रिजल्ट न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि एक बहुत बड़ा और बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल जर्नल है, जर्नल है, सिर्फ मेडिकल जर्नल नहीं, जर्नल है, वहाँ पे ये बात 20 February 2020 को ये न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में ये बात पब्लिश किया गया। और उनको भी जब पूछा गया कि आपके पास प्योरीफाइड वर्जन है इस वायरस का कि आपके पास सिर्फ जीनेटिक मटेरियल है, तो उनका आंसर था, उन्होंने एक इमेज दिखाया, वो इमेज मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, एन इमेज ऑफ सेडिमेंटेड वायरस पार्टिकल्स नॉट प्योरीफाइड वंस। मतलब चारों स्टडी में इनके पास जीनेटिक मटेरियल है, प्योरीफाइड वायरस है ही नहीं इनके पास। और वो प्योरीफाइड वायरस क्यों इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आपको कोक्स पॉस्टुलेट्स के थ्रू समझाया, किसी भी वायरस को डिक्लेयर करने के लिए कि हाँ यही वायरस दूसरों को बीमार कर रहा है। तो इन दिस केस COVID-19 ये क्लेम कर रहे हैं कि SARS-CoV-2 एक वायरस है जो लोगों को COVID-19 नाम का बीमारी देता है, तो इन्होंने कभी प्योरीफाई किया ही नहीं, जबकि प्योरीफाई करना सबसे फर्स्ट और सबसे बेसिक चीज़ होता है, इन्होंने कभी किया ही नहीं। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैं ये आर्टिकल मुझे मिला, ये एक औरत है क्रिस्टीन मेसी, शायद ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, सॉरी। तो इन्होंने एक ट्वीट किया था कि FOI रिस्पॉन्स फ्रॉम कैनेडाज नेशनल रिसर्च काउंसिल, कैनेडाज नेशनल रिसर्च काउंसिल को इन्होंने लेटर लिखा, इन्होंने लेटर में प्रूफ मांगा था कि आपके पास ये
SARS-CoV-2 का आइसोलेटेड वर्जन है आपके पास, आइसोलेटेड वायरस है आपके पास, नेशनल रिसर्च काउंसिल को कनाडा में उनसे पूछा, तो नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कनाडा ने रिप्लाई दिया था दो पेज का। इस दो पेज में ये बोलते हैं कि हमने आपका लेटर रिसीव किया और हम आपका जवाब देना चाहते हैं। ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्या है। क्रिस्टीन मेसी पूछती है कि क्या आपने इसको कभी आइसोलेट किया SARS-CoV-2 को बाकी जेनेटिक मटेरियल से, तो ये आप पढ़ सकते हो। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली चीज़ यहाँ पे है ये लास्ट 4 lines, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। योर रिक्वेस्ट वॉज रिसीव बाई दी NRC ऑन June 13, 2020 एंड योर एप्लीकेशन फी वॉज रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड ऑन June 19, 2020। उसके बाद लिखते हैं कि अ थॉरो सर्च ऑफ NRC रिकॉर्ड्स हैज़ बीन कम्प्लीटेड, हमने आपके चीज़ को रिसर्च किया, हमने आपकी चीज़ को फर्दर रिसर्च किया। और यहाँ पे देखना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखना, एंड वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट नो रिकॉर्ड्स रिस्पॉन्सिव टू योर रिक्वेस्ट वर आइडेंटिफाइड। मतलब समझ रहे हो, नेशनल रिसर्च काउंसिल ऑफ कैनेडा, जो कि कनाडा का नेशनल रिसर्च ऑफ काउंसिल है, उनसे पूछा गया कि क्या आपके पास SARS-CoV-2 का प्यूरिफाइड वर्जन है, आइसोलेटेड वर्जन है। हमारे पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ही नहीं है जो हम आपको दिखा दें कि हमने कभी इस चीज़ को आइसोलेट किया है भी या नहीं। अब ये क्यों ज़रूरी क्यों है, वायरस को आइसोलेट करना ज़रूरी क्यों है, ये मैंने आपको बताया। लेकिन COVID-19 के केस में इन्होंने कभी उस वायरस को, सो कॉल्ड SARS-CoV-2 को इन्होंने कभी भी आइसोलेट किया ही नहीं। अब जो मैं आपको एक गोल्डन क्वेश्चन पूछूंगा ना, उस गोल्डन क्वेश्चन को पूछने से पहले ना, मैं आपको द हिंदू का एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ। इस आर्टिकल पे ध्यान देना, तब मैं आपको एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछूंगा। द हिंदू का ये एक आर्टिकल है, वॉच COVID-19 व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट, ये एक आर्टिकल है। अब यहाँ पे ना इस बात को ध्यान देना, यहाँ नीचे एक आना, यहाँ पे देखो, इसमें लिखा है कि इफ इट शेयर्स द सेम जीनेटिक सीक्वेंस एज SARS-CoV-2 वायरस देन इट इज डीम्ड पॉजिटिव। और देखना यहाँ पे क्या लिखा है कि दिस फॉर्म ऑफ टेस्टिंग कैन टर्न नेगेटिव ओनली इफ द एक्चुअल सैंपल डज नॉट कैरी द वायरस और इफ इट वॉज नॉट एडमिनिस्टर्ड प्रॉपरली। सबसे पहला चीज, इन्होंने कभी बाकी जीनेटिक मटेरियल से कभी SARS-CoV-2 को इन्होंने आइसोलेट किया ही नहीं। लेकिन जो RT-PCR और PCR टेस्ट यूज हो रहा है, वो टेस्ट सबसे पहले तो वो टेस्ट किसी वायरल इन्फेक्शन को ढूंढने के लिए यूज होता ही नहीं है। खुद इन्वेंटर ने कहा कि यूज मत करना, गलत रिपोर्ट ही दिखाएगा, और वो कितना गलत रिपोर्ट है मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ। लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इफ इट शेयर्स द सेम जेनेटिक सीक्वेंस एज SARS-CoV-2 वायरस देन इट इज डीम्ड पॉजिटिव, मतलब आपकी बॉडी एंड दिस फॉर्म ऑफ टेस्टिंग कैन टर्न नेगेटिव ओनली इफ द एक्चुअल सैंपल डज नॉट कैरी वायरस। मतलब अगर आप PCR टेस्ट करने जाओगे, आपके बॉडी से सैंपल लिया जाएगा और उस सैंपल में जब SARS-CoV-2 वायरस ढूंढा जाएगा, मतलब है, तब आप पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिए जाओगे, COVID-19 पॉजिटिव। लेकिन अगर आपकी बॉडी में SARS-CoV-2 वायरस नहीं है, तब आप COVID-19 नेगेटिव हो, ठीक है। बात यहाँ पे ये नोट करना कि वो SARS-CoV-2 पर्टिकुलर आइसोलेटेड वायरस जब आपकी बॉडी में पाया जाएगा, तब आप पॉजिटिव रहोगे और ना आप नेगेटिव रहोगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सिंपल सा सवाल पूछता हूँ कि जब इन्होंने कभी भी SARS-CoV-2 वायरस को इन्होंने कभी भी आइसोलेट नहीं किया, इनको आज तक आइडिया नहीं है कि SARS-CoV-2 वायरस कैसा दिखता है, SARS-CoV-2 वायरस के क्या एविडेंस है, SARS-CoV-2 के क्या स्पेसिफिक सिम्टम्स है, इन्हें कुछ आइडिया नहीं है। और जैसे जैसे मैं वीडियो आगे बढ़ाऊंगा, आपको चीज़ें सब कुछ समझ आने लगेगी, सो स्टे विद मी। अब मुझे बताने कि जब इन्होंने कभी भी SARS-CoV-2 को आइसोलेट किया ही नहीं, वो प्योर वायरस इनके पास है ही नहीं, तो ये टेस्ट किस चीज़ का कर रहे हैं? सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहे, यहाँ पे बात की गहराई को समझो, कंप्लीट ऑपोजिट चीज़ ये कह रहे हैं। एक तरफ इन्होंने कभी आइसोलेट किया ही नहीं वायरस को, तो इनको आइडिया नहीं है कि कैसा है SARS-CoV-2 वायरस पर्टिकुलरली कैसा देखता है, क्योंकि इनके पास प्यूरिफाइड वर्जन है ही नहीं, आइसोलेटेड वर्जन है ही नहीं।
लेकिन दूसरी तरफ ये टेस्ट कर रहे उसी वायरस को ढूंढने के लिए जो वायरस इन्होंने खुद ढूंढा नहीं है अभी। ये टेस्ट का यूज किस लिए हो रहा है पता है? एक इमेजिनरी वायरस को ढूंढने के लिए। आरटीपीसीआर टेस्ट ऐसे वायरस को ढूंढ रहा है जो वायरस को आज तक साइंटिस्ट ने कभी एविडेंस दिया ही नहीं है कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है अभी या नहीं, क्योंकि इनके पास आइसोलेटेड वायरस है ही नहीं, प्योरीफाइड वर्जन है ही नहीं। सीधा ही कहते हैं कि हमारे पास वैसा कोई प्रूफ ही नहीं, हमारे पास एविडेंस ही नहीं है कि कभी हमने इस वायरस को आइसोलेट किया हो। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि अरे तो लोग कैसे मर रहे हैं, लोग कैसे मर रहे हैं और लोगों का पॉजिटिव्स क्यों दिखाया जा रहा है। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अभी मैंने करप्शन का बात किया ही नहीं है, फेक पॉजिटिव रिपोर्ट देना और लोगों का और आरटीपीसीआर टेस्ट जो कैरी मलिस जो इनका जो इन्वेंटर है वो खुद कहते हैं इस टेस्ट का आप वायरल इन्फेक्शन को ढूंढने के लिए आप ये टेस्ट यूज़ कर ही नहीं सकते क्योंकि ये फॉल्स रिपोर्ट बहुत दिखाता है। उन्होंने खुद कहा, जो इन्वेंटर है उन्होंने खुद कहा उस टेस्ट का यूज़ कर रहे। तो ये लोग क्यों मर रहे और पॉजिटिव्स क्यों दिखा रहे ये समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन इसको थोड़ी देर के लिए अपने ध्यान से ना दिमाग से ध्यान से हटाओ और मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछता हूँ कि जब इन्होंने कभी SARS-CoV-2 को इन्होंने कभी भी आइसोलेट किया ही नहीं तो ये टेस्ट किस चीज़ का कर रहे हैं? वो सवाल खुद से पूछो, वो टेस्ट किस चीज़ का कर रहे हैं कि एक ऐसा वायरस जो साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं क्योंकि इन्होंने आइसोलेट किया ही नहीं, और इनको पता था, ऐसा नहीं था कि ये अचानक से ही हो गया, इनको पता था। इन्होंने फेब्रवरी में दिखाया ना, फेब्रवरी में ही कह रहे कि मार्च में कह रहे कि हमारे पास प्योरीफाइड वर्जन नहीं है, उस समय ये जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस चीज़ को चलने दिया। लॉकडाउन हुआ, लोगों का बिजनेस गया, लोगों का इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड खत्म हुआ, कई लोग सड़क पे आ गए एक ऐसे वायरस के नाम पे जिसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं कि वो वायरस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। ये सवाल आप खुद से पूछो, ये सवाल आप खुद पूछो, ठीक है? क्योंकि मैं तो मार्च से ही ये बात कहते आ रहा हूँ कि COVID-19 एक बहुत बड़ा स्कैम है, आपके आंखों के सामने पुल किया जाए, लेकिन सब नहीं 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 खतरनाक है, ये वायरस बहुत खतरनाक है, जहाँ जाता है वही मार देता है, जबकि उन्हें कोई आइडिया ही नहीं था कि ये इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है ये वायरस के एग्जिस्टेंस का। सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो आज तक साइंटिफिकली प्रूवन है ही नहीं कि ये वायरस एग्जिस्ट करता है या नहीं। There is no COVID-19. It doesn't exist. अब लोग क्यों मर रहे हैं और लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव्स क्यों दिखा रहे हैं और उसमें करप्शन का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो करप्शन के लिए मुझे मे बी पार्ट टू बनाना पड़ेगा इस वीडियो का, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि लोग इतने ज़्यादा पॉजिटिव्स क्यों आ रहे हैं। क्योंकि इनके पास सफिशियंट टेस्टिंग किट नहीं है, इसीलिए लोगों को तुक्का मार मार के एल्गोरिदम्स के थ्रू ये लोगों को पॉजिटिव डिसाइड करे कि ये इंसान पॉजिटिव है या नहीं। करप्शन का बहुत बड़ा फैक्टर है। अब मैं आपको टेस्टिंग का स्कैम बताता हूँ, जहाँ पे क्योंकि इनके पास टेस्ट किट नहीं है इसीलिए ये एंड्रॉयड एप्लीकेशन का यूज़ करे लोगों को डिसाइड करने के लिए कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, और एल्गोरिदम यूज़ कर रहे, जबकि टेस्ट इतना फॉल्स पॉजिटिव दिखाता है, तो सोचो एल्गोरिदम और एंड्रॉयड डिवाइस कितना फॉल्स पॉजिटिव दिखाता है। अब टेस्ट स्कैम बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक आर्टिकल दिखाना चाहता हूँ, मैं उसको रीड करके आपको सुनाऊंगा और तब मैं आपको समझाऊंगा। सो टू स्टार्ट, इट इज वेरी रिमार्केबल दैट कैरी मलिस हिमसेल्फ द इन्वेंटर ऑफ PCR technology did not think alike. His invention got him the Nobel Prize in Chemistry in 1993. PCR test ko found karne ke liye, invent karne ke liye inko Nobel Prize mila tha chemistry mein 1993. Unfortunately, Kerry Mullis passed away last year at the age of 74. But there is no doubt that the biochemist regarded the PCR as inappropriate to detect a viral infection. जैसे कि सब जानते हैं कि न्यूज़ वाले कैसे बता रहे हैं आपको कि 6 feet मेंटेन करो, मास्क पहनो, एकदम मतलब सतर्क रहो, हमेशा सैनिटाइज करो। इसका मतलब क्या है कि इनके मुताबिक SARS-CoV-2 वायरस, वो वायरस बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है, इसीलिए तो सैनिटाइज करना, ये करना, वो करना। जो इन्वेंटर है वो खुद कह रहे हैं कि PCR टेस्ट का यूज़ आप किसी भी वायरल इन्फेक्शन को ढूंढने के लिए आप यूज़ कर ही नहीं सकते, लेकिन वही टेस्ट का यूज़ हो रहा है टेस्ट करने के लिए कि किसी इंसान के बॉडी में SARS-CoV-2 वायरस है भी या नहीं, जबकि इनको खुद आइडिया नहीं है कि वायरस है भी या नहीं।
इसीलिए बहुत ज्यादा मात्रा में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। और इसमें भी बहुत सारे फॉल्स रिपोर्ट और फॉल्स पॉजिटिव का केस है। मैंने बोला ना, ये करप्शन बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, और वो करप्शन का एक प्रूफ अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। फ्लोरिडा में लैब्स खुद ये बात एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 98% इन्फेक्शन रेट हमने पहले दिखाया था, लेकिन ये 98% नहीं था, 9.8% था, 9.4, 9.6 ऐसे कर रहे हैं कि 9.4, 9.5 या 9.8 ऐसा था, लेकिन हम कह रहे थे कि 98% लोग पॉजिटिव निकलेंगे। ये फ्लोरिडा का है जहाँ पे यही टेस्ट यूज हो रहा है। इन्होंने कहा था कि 98% लोग पॉजिटिव निकलेंगे, जब सारा लॉकडाउन करके सब लोगों का जिंदगी खराब कर दिया, उसके बाद कहते प्यार से आगे कहते हैं कि 98% नहीं था, वी आर सो सॉरी टू से इट वॉज 9.6% एंड वी आर सो सॉरी टू से इट वॉज 9.6 और 9.8 ऐसा था, 98% नहीं था, वी आर सो सॉरी, हमने आपका इंडिपेंडेंट लाइवलीहुड तबाह कर दिया, इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड वी आर सो सॉरी। ऐसा ही टेस्ट सारा दुनिया में चल रहा है। अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इंडिया में भी बहुत जल्दी एक ऐसा समय आएगा जहाँ पे ये खुद ओन करेंगे, ये जो रिसर्च कर रहे और ये सारे लैबोरेटरीज खुद ओन करेंगे कि नहीं, इतने लोग पॉजिटिव थे भी नहीं, फॉल्स रिपोर्ट्स था। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि सारे डॉक्टर्स और सारे नर्स और सारे लैब्स और सारे हॉस्पिटल्स और सारे हेल्थ मिनिस्टर्स इस स्कैम में इन्वॉल्व है? बिल्कुल भी नहीं, ज़रूरी ही नहीं है। नीचे वालों को बस ऊपर वालों से ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। जो मेन हेल्थ गाइडेंस बनाया था वो करप्टेड है। जिन्होंने बोला था कि आरटीपीसीआर टेस्ट यूज़ करो और टेस्ट करो, जितना ज़्यादा हो सके टेस्ट करो, वो करप्टेड है, क्योंकि ये जानते थे कि इनके पास कभी SARS-CoV-2 का वो है ही नहीं, इनके पास प्योरीफाइड वर्जन, तो ये कैसे गोल्ड स्टैंडर्ड से बैकअप करेंगे। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या होता है मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, लेकिन मैं कॉन्टेक्स्ट पहले दे दूँ कि मैं किसी भी एंगल से ये नहीं कह रहा कि सारे डॉक्टर, सारे नर्स और सारे हॉस्पिटल्स इस स्कैम में इन्वॉल्व है, बिल्कुल भी नहीं। अगर हॉस्पिटल के मालिक ने कह दिया कि तुम्हें ऐसा रिपोर्ट करना है और ऐसा ऐसा आया तो आपको पॉजिटिव लिख देना है, तो डॉक्टर और नर्स को तो अपना जॉब बचाना है ना, वो तो करेंगे ही, उनको जो बोलना है, जो उनको जो ऑर्डर मिला है वो तो वो करेंगे, उनका गलती नहीं है। और इनमें भी बहुत लोग हैं जो करप्टेड है, लेकिन सबका गलती नहीं है। जो ऑर्डर दिया, जिसने ऑर्डर दिया और जो कह रहे कि ये करो वो करो, जो गाइडेंस दे रहा है वो करप्टेड है। और जो इंसान नहीं माना कि मैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स थे ये बात जानते थे कि ये वायरस एग्जिस्ट नहीं करता, तो उन्होंने फेक डेथ सर्टिफिकेट्स में उन्होंने COVID-19 नहीं लिखा, वो इस स्कैम में इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं थे, इसके लिए उनको जॉब से निकाल दिया गया। एक एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने, और अगर आपको अभी लगता है कि यही करप्शन था टेस्ट में और क्या ज्यादा करप्शन हो सकता है, तो अभी मैंने आपको अंडरकवर फुटेज दिखाया ही नहीं है। न्यूयॉर्क की एक नर्स जिस हॉस्पिटल में वो काम करती है, उस हॉस्पिटल में हिडन कैमरा लेके जाती है, क्लियरली दिखाती है कि कैसे केसेस के बढ़ाए जा रहे हैं, कैसे लोगों का डेथ सर्टिफिकेट्स में जानबूझ के COVID-19 डाला जा रहा है। धीरे धीरे आपको सारा, आप सारे डॉट्स कनेक्ट करते जाओगे, आपको पता चलेगा कि क्या सही था क्या गलत था, तो आपको चीज़ें रियलाइज होगी कि अच्छा, इसलिए ये ऐसा कर रहे थे, इसीलिए ये इतना खतरनाक तरीके से इन्होंने लॉकडाउन किया और ये किया वो किया, सारा डॉट्स कनेक्ट होते जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा, आप, मैं जो कह रहा हूँ इस चीज़ को समझना पड़ेगा ध्यान से, और अगर आप अपना खुद का रिसर्च करना चाहते हो तो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों ये RT-PCR टेस्ट या टेस्ट इन जनरल क्यों सारा दुनिया में जो टेस्ट है दिखाया ना मैंने आप 98% रिपोर्ट में दिखाया जा रहा था, लेकिन एक्चुअली में 9.8% ऐसा, तो क्यों इतना घटिया टेस्ट यूज हो रहा है, और उसी के बाद इतना डीपर लेवल ऑफ करप्शन आपको दिखाई देगा और बेवकूफ़ी दिखाई देगा डॉक्टर्स और रिसर्चर्स का, तब आपको समझ नहीं आएगा, तो आपको डर लगेगा कि आप कैसे लोगों को विश्वास करते हो। PCR टेस्ट में एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है गोल्ड स्टैंडर्ड, उसके साथ टेस्ट को कंपेयर किया जाता है। इन दिस केस, इन COVID-19 नेवर एग्जिस्टिंग SARS-CoV-2, इस मामले में गोल्ड स्टैंडर्ड तब होता जब पहली बार जब आपको लगा कि हाँ, ये इंसान किसी एक
SARS-CoV-2 वायरस से इन्फेक्टेड है ये इंसान, और उसके बॉडी में से जब आपने उस वायरस को आइसोलेट कर लिया, जेनेटिक मटेरियल को नहीं, जेनेटिक मटेरियल से वायरस को आइसोलेट कर लिया, और उस आइसोलेटेड वायरस को जब आप किसी एक नॉर्मल हेल्दी इंसान के बॉडी में डालोगे, और उस इंसान के पास, क्योंकि वो आइसोलेटेड वर्जन है, तो उस इंसान के बॉडी में जो ओरिजिनल सिम्टम्स आएंगे उसको आप गोल्ड स्टैंडर्ड मानोगे, क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल का सिम्टम्स नहीं है, वो प्योर आइसोलेटेड वायरस का सिम्टम्स दिखा रहा है वो इंसान, तो उसको आप गोल्ड स्टैंडर्ड मानोगे। इन दिस केस सबसे पहला चीज, इन्होंने कभी वायरस को आइसोलेट किया ही नहीं, तो इनके पास गोल्ड स्टैंडर्ड है ही नहीं। अब उसके लिए आपको यहाँ देखना पड़ेगा, आप यहाँ पे ध्यान दो, स्क्रीन पे ध्यान दो, लैक ऑफ वैलिड गोल्ड स्टैंडर्ड। सबसे पहली बार जब आउटब्रेक हुआ, सबको लाइमलाइट में आया, COVID-19 सारा मीडिया में दिखाने लगे, उस समय ऑस्ट्रेलियन इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट, जो कि एक इंडियन ही है शायद, संजया सेनायका से जब पूछा गया ABC TV में इंटरव्यू के दौरान, उनसे पूछा गया कि हाउ एक्यूरेट इज द COVID-19 टेस्टिंग, COVID-19 का टेस्टिंग कितना एक्यूरेट है, उनका जवाब सुनना, इफ वी हैड अ न्यू टेस्टिंग फॉर पिकिंग अप बैक्टीरियम गोल्डन स्टाफ इन ब्लड, वी हैव ऑलरेडी गॉट ब्लड कल्चर्स, दैट्स आवर गोल्ड स्टैंडर्ड, वी हैव बीन यूजिंग फॉर डीकेड्स, एंड वी कुड मैच द न्यू टेस्ट अगेंस्ट दैट, बट फॉर COVID-19 वी डू नॉट हैव अ गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट। बेसिकली यही आपको सारा सब कुछ समझा देता है। गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि जो टेस्ट किया जा रहा है, PCR टेस्ट, RT-PCR टेस्ट, जो भी टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट का जो रिजल्ट आता है, उस रिजल्ट को आपको ओरिजिनल के साथ कंपेयर करके देखना पड़ता है, कितना मैच हो रहा है, कितने डिग्री तक मैच हो रहा है, कितने मैग्नीट्यूड तक मैच हो रहा है, तब जाके आप डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ ये इंसान पॉजिटिव है या नेगेटिव है या माइल्ड सिम्टम्स है या जो भी है, वो बात की बात है। लेकिन कंपेयर करने के लिए आपको ओरिजिनल गोल्ड स्टैंडर्ड चाहिए, लेकिन COVID-19 के मामले में इनके पास कभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड था ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वायरस साइंटिफिकली एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इन्होंने कभी आइसोलेट किया ही नहीं। और दूसरा चीज़ ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ध्यान देना, जेसिका सी वॉटसन फ्रॉम ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी कन्फर्म्स दिस इन हर पेपर इंटरप्रेटिंग अ COVID-19 टेस्ट रिजल्ट पब्लिश रिसेंटली इन द ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल बहुत बड़ा, बहुत प्रेस्टिजियस जर्नल है। शी राइट्स दैट देर इज़ अ लैक ऑफ सच अ क्लियर कट गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर COVID-19 टेस्टिंग। मतलब मैं सीधा सीधा आपको अभी बता देता हूँ कि जब COVID-19 पहली बार जब लाइमलाइट में आया, उस वक्त ही किसी के पास गोल्ड स्टैंडर्ड था ही नहीं कंपेयर करने के लिए। और इस जेसिका सी वॉटसन को ना किसी भी यूनिवर्सिटी के दरवाजे में घुसने देना, अलाउ ही नहीं करना चाहिए इस औरत को। क्यों, मैं आपको बताता हूँ, नीचे देखो क्या लिखा है। बट इंस्टेड ऑफ क्लासिफाइंग द टेस्ट एज अनसुटेबल फॉर SARS-CoV-2 डिटेक्शन एंड COVID-19 डायग्नोसिस, और इंस्टेड ऑफ pointing out that only a virus proven through isolation and purification can be a gold standard, solid gold standard, Watson claims in all seriousness, वो claim करती है कि pragmatically COVID-19 diagnosis itself, remarkably including PCR testing itself, may be the best available gold standard, but this is not scientifically sound. अब इसीलिए मैंने कहा कि जेसिका सी वॉटसन नाम की ये औरत को ना किसी यूनिवर्सिटी के, जो कि एक्सपर्ट है वहाँ की, जिस भी कंट्री में ये रहती है उस कंट्री का तो सत्यानाश ही हो गया होगा, ये औरत कह रही है, सो कॉल्ड एक्सपर्ट कह रही है, ये कह रही है कि क्योंकि हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो इंसान हमें डाउट है कि ये COVID-19 इसके बॉडी में है, COVID-19 बीमारी है, यानी SARS-CoV-2 वायरस है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, उस चीज़ को अंडरलाइन रखना, तब आपको चीज़ें और ज़्यादा जल्दी जल्दी और अच्छे अच्छे कनेक्ट होगा, और लास्ट में आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। मतलब PCR टेस्ट यूज़ करके, जो इनके इन्वेंटर ने कहा कि ये किसी भी वायरल इन्फेक्शन को ढूंढने के लिए आप यूज़ कर ही नहीं सकते, फॉल्स पॉजिटिव ही दिखाएगा, ये एक्सपर्ट है, और ये कह रही है कि ये टेस्ट के थ्रू जो रिजल्ट आएगा उसको हम अवेलेबल बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड समझेंगे। मेरे पास कोई शब्द नहीं है इसको समझाने के लिए, बट दिस इज़ नॉट साइंटिफिकली साउंड, साइंटिफिकली ये करेक्ट नहीं है। एक ऐसा टेस्ट करके, आप पहले बता रहा हूँ, 5 इंसान अगर टेस्ट कराने जाए, 5 इंसान को पॉजिटिव दिखाया जाएगा, लेकिन 5 इंसान में से 4 इंसान को फॉल्स पॉजिटिव दिखाया जाएगा, और इसका मैं एविडेंस मैं आपको थोड़ी देर में दूंगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं ना, तो उनका पॉजिटिव निकल रहा है, इसीलिए एक ही दिन में कहते हैं कि 40,000 पॉजिटिव टेस्ट आए। कैसे नहीं आएंगे? एक ऐसे वायरस का आप टेस्ट
कर रहे हो जो वायरस साइंटिफिकली एग्जिस्ट नहीं करता, और ऊपर से PCR टेस्ट का यूज कर रहे हो आप एज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। फर्स्ट ईयर का मेडिकल स्टूडेंट ना जो हमेशा कॉलेज बंक करता है वो भी झांपड़ मारेगा ऐसे लोगों को। अब आपको डॉक्टर और आपको मेडिकल स्टूडेंट नहीं होना पड़ेगा ये समझाने के लिए कि ये कितना गलत चीज़ है। उसी के ऊपर थॉमस लॉस्कर, जैसे भी इनका नाम प्रोनाउंस किया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्फेक्शन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के फॉर्मर हेड है और फेडरल एसोसिएशन ऑफ जर्मन इंटर्निस्ट के मेंबर भी है। इन्होंने खुद कहा कि PCR टेस्ट का यूज हम किसी भी तरीके से यूज कर ही नहीं सकते, ना गोल्ड स्टैंडर्ड फाइंड करने के लिए, ना लोगों को टेस्ट करने के लिए। और देयर आर नो डिस्टिंक्टिव स्पेसिफिक सिम्टम्स फॉर COVID-19। और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझोगे और क्यों मैं आपको बताता हूँ। थॉमस लॉस्कर कह रहे हैं कि देर आर नो डिस्टिंक्टिव स्पेसिफिक सिम्टम्स फॉर COVID-19, मतलब COVID-19 का कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स है ही नहीं, ये कह रहे हैं। अब इस चीज़ को आप खुद अपनी लाइफ में रिलेट करना, पिछले 3 महीने में आपने लॉकडाउन में क्या क्या एक्सपीरियंस किया, आप खुद समझोगे इस बात को। थॉमस लॉस्कर कह रहे हैं कि COVID-19 का कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं है ना, इसीलिए जब COVID-19 सबसे पहली बार लाइमलाइट में आया, SARS-CoV-2 वायरस जो COVID-19 बीमारी देता है, बुखार सर्दी खांसी जैसा सिम्टम्स आपको होगा कह रहे थे ना। क्यों कह रहे थे अभी आपको पता चला? क्योंकि इनको खुद पता नहीं है कि COVID-19 बीमारी का स्पेसिफिक सिम्टम, हर बीमारी का एक स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है, सर्दी खांसी का स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है, कैंसर का स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है, हर बीमारी का स्पेसिफिक सिम्टम्स होता है। लेकिन ये उस वक्त क्या कह रहे थे कि सर्दी खांसी जैसा होगा, आपको सर्दी खांसी जैसा होगा और जाना, टेस्ट कराने जाना, और टेस्ट भी कैसा टेस्ट कराने जाना, जो टेस्ट के इन्वेंटर ने कहा कि इस टेस्ट का आप यूज़ नहीं कर सकते किसी भी वायरल इन्फेक्शन का टेस्ट करने के लिए। ऐसे नंबर्स बढ़ रहे, समझे? इस बेवकूफ़ी से सारे कंट्री ने इस COVID-19 पैंडेमिक को अप्रोच किया था इनिशियली, इसीलिए इनको कुछ आइडिया नहीं है। बुद्धि लगाओ, जब इन्होंने कभी भी उस SARS-CoV-2 वायरस को आइसोलेट किया ही नहीं और किसी नॉर्मल इंसान के बॉडी में डाल के, इनके पास कभी गोल्ड स्टैंडर्ड है ही नहीं, इसीलिए इनके पास स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं था ना, इसीलिए तो कह रहे थे कि सर्दी खांसी जैसा होगा COVID-19। और एक बात और ध्यान रखना, अंडरलाइन कॉन्टेक्स्ट ये याद रखना कि 2-3 महीने पहले फ्लू सीजन था और 2-3 महीने बाद या 1 महीने बाद फ्लू सीजन फिर से आने वाला है ना। हर साल आता है, हर साल लोग बीमार पड़ते हैं, हर साल लोग मरते, नेचुरल है, हजारों साल से यही चलते आ रहे हैं। लेकिन जब COVID-19 स्टार्ट हुआ, जिस इंसान को सर्दी खांसी जैसा सिम्टम आया था, उनको मीडिया वालों ने क्या भर दिया दिमाग में कि जाओ टेस्ट कराने जाओ, वरना मर जाओगे, तुम भी मरोगे, फैमिली को भी मराओगे। उसकी वजह से उनके बॉडी में एंग्जाइटी हुआ, उसकी वजह से वो टेस्ट कराने गए। नॉर्मल सर्दी खांसी था, टेस्ट भी कैसा टेस्ट करा रहे। और टेस्ट का एक और करप्शन मैं अभी यहाँ पे और अभी एक्सपोज करूँगा, लेकिन उससे पहले आप ये समझो, टेस्ट कराने गए, टेस्ट कैसा टेस्ट? PCR टेस्ट, जो यूज़ नहीं होता किसी भी वायरल इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए। ऐसा टेस्ट कराने जाएंगे जो हमेशा मैक्सिमम टाइम 5 में से 4 इंसान को फेक फॉल्स पॉजिटिव दिखाए जाएंगे। तो लोग पॉजिटिव कैसे नहीं निकलते? इतना घटिया तरीके का टेस्ट हो रहा है, इतने घटिया और इडियोटिक तरीके से इस चीज़ को इन्होंने अप्रोच किया। तो 1 मिलियन केसेस जो अभी दिखा रहे हैं ना इंडिया में, मीम्स बन रहे, नादान, इतने नादान है ना लोग कि ये सब चीज़ को शेयर कर रहे हैं, ये जान नहीं रहे कि इसके पीछे का साइंस नहीं समझ रहे, साइंस क्या बेसिक फैक्ट नहीं समझ रहे इसके पीछे का, कि कभी ये वायरस एग्जिस्टेंस का प्रूफ है ही नहीं, लेकिन टेस्ट भी कैसा करे जो 5 में से 4 इंसान को फॉल्स पॉजिटिव दिखाएगा, और वो टेस्ट जो इन्वेंटर ने खुद कह दिया कि ऐसा टेस्ट यूज़ नहीं हो सकता, उस टेस्ट का यूज़ करा के टेस्ट कराओगे तो आप पॉजिटिव कैसे नहीं निकलोगे? और 1 मिलियन क्या, जितना ज़्यादा टेस्ट करोगे उतना ज़्यादा फेक फॉल्स पॉजिटिव दिखाएगा, उतना ही ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे जैसे ही। इसीलिए तो देखो ना, इंडिया में खुद देखो, बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया में खुद देखो करप्शन, जितना ज़्यादा टेस्टिंग होते जा रहा है उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव्स क्यों निकल रहे, ये रीज़न। और अभी मैंने मेन करप्शन के बारे में तो बोला ही नहीं।
तो जब इन लोगों ने पूछा इस जेसिका सी वॉटसन नाम की औरत से कि तुम किस बेसिस पे कह रहे हो कि पीसीआर टेस्ट जो फॉल्स रिपोर्ट दिखाता है उसकी उसको आप गोल्ड स्टैंडर्ड मान के कैसे आप इस चीज़ को कोविड 19 को कैसे आप अप्रोच कर सकते हो। महारानी जेसिका सी वॉटसन ने जवाब देना ही छोड़ दिया और जाके जब इनको इंस्टेंट रिस्पॉन्स पोस्ट में जब इनका पूछा गया यही सवाल, वहाँ भी इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया जबकि वो इंस्टेंट रिस्पॉन्स पोस्ट होता है, वहाँ भी दिया ही नहीं इन्होंने। उसके बाद जून 2 को लिखती है कि मैं इस हफ्ते के एंड तक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन कभी बताया नहीं। आप सोचो ऐसे एक्सपर्ट सारी दुनिया में कितने होंगे। ऐसे एक्सपर्ट्स ने इनिशियली कोविड 19 पैंडेमिक को अप्रोच किया था, इन जैसे कोट अनकोट एक्सपर्ट्स ने कहा था कि जितना ज़्यादा टेस्टिंग होगा उतना अच्छा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था ना कि जितना टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ऊपर दिखाता हूँ, ये देखो, एट द मीडिया ब्रीफिंग ऑफ कोविड 19 ऑन मार्च 16, 2020, द WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम, उन्होंने क्या कहा कि वी हैव अ सिंपल मैसेज फॉर ऑल कंट्रीज, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, टेस्ट करो, ऐसा टेस्ट करो जो इन्वेंटर ने खुद कहा कि ये यूज़ नहीं कर सकते ऐसे वायरस को ढूंढने के लिए जो आज तक साइंटिस्ट नहीं ढूंढ पाए। WHO डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम, इस इंसान को ना डॉक्टर का टाइटल इस इंसान को ना सूट नहीं करता, मैं आपको बताता हूँ क्यों, आप इंटरनेट पे जाके ये बात ढूंढ सकते हो। टेड्रोस एडनॉम जो भी लास्ट नेम है इस इंसान का, ये इंसान ना इथोपिया में हेल्थ मिनिस्टर था। ओके, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात नहीं है, आपको ये बात याद रखना ज़रूरी है कि किस इंसान के दिए गए ऑर्डर्स को आप फॉलो कर रहे हो। ये इंसान जब इथोपिया में हेल्थ मिनिस्टर था, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ मिनिस्टर था, इस इंसान ने कॉलेरा एपिडेमिक को 3 बार छुपाया था, सही रिपोर्ट नहीं दिखाए थे। ऐसा इंसान सारी दुनिया के हेल्थ पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करता है। टेस्ट टेस्ट टेस्ट, पीसीआर टेस्ट, वी हैव अ सिंपल मैसेज फॉर ऑल कंट्रीज, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, क्यों? जो इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहा है उनके वीडियोस और उनके अकाउंट्स को ये डिलीट करवा रहे हैं क्योंकि ये जानते हैं कि ये एक स्कैम है, और जो इनको एक्सपोज कर रहा है उनके वीडियोस डिलीट कर रहे हैं। मैंने ये बात मार्च में ही कहा था, मार्च अप्रैल के मंथ में ही मैंने कहा था कि कोविड 19 एक बहुत बड़ा स्कैम है, आपकी आंखों के सामने पुल किया जा रहा है, मैंने बोला था। लेकिन ऑब्वियसली उस पर किसी ने सुना नहीं एंड किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिनने ध्यान दिया उन्होंने भी खैर छोड़ो। उसके बदले क्योंकि मैंने इनको क्वेश्चन किया था, इनको प्रूफ के साथ क्वेश्चन किया था, इन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल से 12 वीडियोस डिलीट कर दिए, 12 वीडियोस। क्यों? क्योंकि मैंने इनको क्वेश्चन किया, क्यों भाई? मैंने सीधा ये क्वेश्चन किया था कि ये वायरस एग्जिस्ट नहीं करता और आपको इस वायरस से डरने की जरूरत नहीं, मैंने मार्च अप्रैल में कहा था, लेकिन इन्होंने डिलीट कर दिया। क्यों? और बोला कि तू फेक न्यूज़ फैला रहा है, जबकि मैंने प्रूफ दिया था। अभी भी मैं आपको फैक्ट्स एविडेंस प्रूफ दे रहा हूँ, इसीलिए चीज़ों को सेंसर कर रहे कि ताकि लोग सच्चाई ना जाने, यूट्यूब एल्गोरिदम्स ये सब का यूज़ करके ना लोगों को सेंसर कर रहे, इन्फॉर्मेशन को सेंसर कर रहे जो इनको क्वेश्चन कर रहे, क्योंकि ये जानते हैं कि ये गलत है। अरे जब आप सही हो तो मेरे कुछ अलग ओपिनियन होने से आपको क्यों डर है? अगर आप सही हो तो जब आप डर हो तभी आप मेरे वीडियोज़ को डिलीट करोगे ना। सिर्फ मेरे ही नहीं, चैनल्स जिनका मिलियन मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, मिलियन मिलियन व्यूज़ आते थे उनके चैनल पे, उन्होंने क्वेश्चन किया, उनके चैनल डिलीट कर दिए गए। अभी तक मैंने जो आपको फैक्ट शेयर किए, एविडेंस शेयर किए, प्रूफ शेयर किए, डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाए, इसके बेसिस पे अभी तक आपने अगर आप देख रहे हो मुझे, तो मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला, इन्होंने जब किसी सो कॉल्ड SARS-CoV-2 वायरस को इन्होंने कभी आइसोलेट किया ही नहीं, तो इनको कैसे पता कि कोविड 19 जो बीमारी है वो SARS-CoV-2 से ही आ रहा है या नहीं? दूसरा सवाल, ऐसा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, और टेस्ट में एक और कंपोनेंट अभी मैं बता रहा हूँ, ऐसा टेस्ट यूज़ कर रहे हैं जिसके इन्वेंटर ने खुद कह दिया कि ये यूज़ नहीं हो सकता, फॉल्स रिपोर्ट दिखाएंगे, 5 में से 4 फॉल्स रिपोर्ट दिखाएंगे, और मैक्सिमम तरीके में 5 में 5 ही दिखाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम किस चीज़ का टेस्ट कर रहे हो, वैसे टेस्ट का यूज़ क्यों हो रहा है? और नंबर 3, जब ये बात जानते थे कि इसका हमें गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है, कंपेयर करने के लिए कोई नहीं है, हमारे पास आइसोलेटेड वायरस नहीं है, उसके बेसिस पे, जबकि ये बात बहुत पहले की बात है, ये जानते थे कि इनका कोविड 19 एग्जिस्टेंस
का ही डाउट है, इनका फाउंडेशन ही गलत था ही नहीं, फाउंडेशन था ही नहीं, समझे, फाउंडेशन गलत नहीं था इनका, फाउंडेशन था ही नहीं, क्योंकि पहला ही क्वेश्चन इनका ख़त्म हो जाता है जब मैंने आपको प्रूफ दिखाया कि ये वायरस साइंटिफिकली एग्जिस्ट नहीं करता, पहला क्वेश्चन वही खत्म, पहला इनका यू नो सारा फाउंडेशन वही ख़त्म हो जाता है। ये जानते हुए भी इन्होंने इतना एक्सट्रीम स्टेप्स क्यों उठाया, लाइक लॉकडाउन कर दिया, ज़बरदस्ती सैनिटाइजेशन, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, जबकि पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और ये सब कुछ फ़ायदा का नहीं है, कुछ फ़ायदा, अगर मास्क इम्पॉर्टेंट रहता, मास्क यूज़फुल रहता तो सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरत रहती, और सोशल डिस्टेंसिंग अगर इम्पॉर्टेंट रहता तो मास्क क्यों ज़रूरत होती, और मास्क को आप खुद समझो, बुद्धू समझ जाएगा यार, मास्क के थ्रू वायरस से बचने का सीधा मतलब क्या है पता है, ऐसे जाली के थ्रू पानी को नहीं घुसने देना। एक और सवाल, लास्ट सवाल आपका थोड़ा और दिमाग ख़राब करता हूँ मैं, क्योंकि सच तो जानना पड़ेगा भाई, रिसर्च करना पड़ेगा खुद का, मीडिया वाले कभी नहीं करके दिखाएंगे आप। जब ये बात जानते हैं कि इनके पास इनका फाउंडेशन नहीं है, कोविड 19 के एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन आ जाता है, तब ये बात जानते हुए भी ये वैक्सीन किस चीज़ का बना रहे, और दुनिया में जितने भी वैक्सीन बन रहे हैं वो सारे वैक्सीन को बिल गेट्स क्यों फंड कर रहा है, जबकि ये वही बिल गेट्स है जिसने अपने टेडएक्स टॉक में कहा था कि दुनिया की पॉपुलेशन को हमें 10-15% तक कम करना है। ये वीडियो देखो। First we've got population. Now the world today has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10-15%. New vaccine. Because I'm not sure how they can create a vaccine when they haven't actually isolated the virus. You cannot make a vaccine when you cannot isolate a virus. और जब हमें पता ही नहीं है कि ये वायरस है भी या नहीं, SARS-CoV-2 है भी या नहीं, ये बात हमें पता नहीं है, लेकिन बिल गेट्स ये क्यों कह रहा है कि वैक्सीन के साथ आपकी बॉडी के अंदर एक डिजिटल माइक्रोचिप, जिसको एक क्वांटम टैटू कहता है, वो घुसाएंगे आपके बॉडी के अंदर, सुनो। We'll go there and come back and move around. So eventually there will be sort of this digital immunity proof that you know, will help facilitate the global reopening up. And they want something else. This Gavi organization of Bill Gates has been developing. They want, and this is the name they give, a quantum tattoo on everyone who's vaccinated, so they can digitally tell if you've been vaccinated or not. ये quantum tattoo allow करेगा कि आप घूमने जाओगे या नहीं, आप घर से बाहर निकलोगे या नहीं, आप लोगों से मिलने जाओगे या नहीं, आप मूवी देखने जाओगे या नहीं, मतलब लॉकडाउन से पहले आप जो जो करते आए थे वो करने के लिए आपको आपके बॉडी के अंदर एक क्वांटम टैटू घुसा दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चिप, जो डिसाइड करेगा कि आप अपना नॉर्मल डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलोगे या नहीं, मतलब नॉर्मल काम करोगे या नहीं करोगे, वो क्वांटम टैटू डिसाइड करेगा। क्यों? सबसे पहली बात, वैक्सीन किस चीज़ के लिए बन रहा है और इस वैक्सीन को लेके सारा दुनिया में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? और अभी से ये ऐसी ऐसी बातें क्यों करें कि जब तक आप वैक्सीन नहीं लगाओगे तब तक आपकी स्क्रीन पे जो जो चीज़ है ये चीज़ नहीं कर पाओगे, आप न्यूज़ में अभी से ही बातें कर रहे हो। और बिल गेट्स को अभी से ही कैसे पता चल गया कि इस कोविड 19 का सेकेंड वेव आएगा, कह रहे ना सेकेंड वेव आएगा, पहला वेव आ गया, माय गॉड इतना खतरनाक, यू नो, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट वन, दैट यू नो आई'ड से इज विल गेट अटेंशन दिस टाइम। Will get attention this time. Devastation हो गया, इतना खतरनाक चीजें हो गए, भले ही कुछ हुआ भी नहीं, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स रिपोर्ट, फेक डेजिग्नेशन देना डेथ रिपोर्ट्स में, ऐसा काम चल रहा है, वो करप्शन का चीज़ मैं अभी ऐड करूंगा, लेकिन बिल गेट्स अभी से ही क्यों कह रहा है कि
सेकेंड वेव आएगा, ऐसे वायरस का सेकेंड वेव आएगा जो वायरस साइंटिफिकली एग्जिस्ट भी नहीं करता। सोचो, मैं कुछ नहीं बोल रहा, फैक्ट्स आपके सामने, वीडियोज आपके सामने, प्रूफ आपके सामने, एविडेंस आपके सामने, आप खुद सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। और मीडिया आपको ये सब चीज़ क्यों नहीं दिखा रहा, और आप क्यों नहीं देख रहे ये सब, वो पूछो। मतलब एक ऐसे वायरस के नाम पे जो एग्जिस्ट भी नहीं करता, हम दूसरों का लाइवलीहुड ख़त्म कर देंगे, लोगों को रोड पे ला देंगे, लोग हज़ार हज़ार किलोमीटर चल के जाएंगे घर अपने, दारू दुकान खुला रह सकता है लेकिन आप मंदिर नहीं जा सकते, मॉस्क नहीं जा सकते, आप चर्च नहीं जा सकते लेकिन दारू दुकान खुला रह सकता है। खुद कंक्लूजन ड्रॉ करो, खुद से सवाल पूछो ऐसा क्यों हो रहा है, और क्यों आप हर चीज़ को मानते जा रहे हो। हर चीज़ आपके आपके आंखों के सामने ही सच है लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा, आपको इतना अंधा किसने बना दिया, ये सब सवाल पूछो खुद से। अभी तक मैंने जो जो चीज़ बताया उस चीज़ को दिमाग में रख के इस चीज़ को पढ़ना। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजिंग द COVID-19 पेंडेमिक इज aggressive testing of people and quarantining those who test positive to contain the spread. अगर आपने मेरी अभी तक बातों को समझा है तो ये दो लाइन पढ़ के आपका दिमाग खराब हो जाना चाहिए। Until now in India tests have been carried out only on people with travel history and their contacts and clusters that have known to be infected. This is due to lack of sufficient testing kit. Lack of testing kit is इनके पास सफिशियंट नहीं है, इनफ नहीं है। और उसमें एक और फैक्टर आता है, मैं अभी बताऊंगा। टू टेस्ट अ लार्जर पॉपुलेशन इन दिस कॉन्टेक्स्ट पूलिंग ऑफ सैंपल इज वन वे ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टेस्ट किट्स यूज्ड एंड इंक्रीजेस टेस्टिंग कैपेसिटी। मतलब इनके पास सफिशियंट टेस्टिंग किट नहीं है, वो टेस्टिंग किट जो फॉल्स दिखाएगा, वो टेस्टिंग किट जो एक एक इंसान पे भी अगर टेस्ट किया जाए तो उसमें भी वो फॉल्स रिपोर्ट दिखाएगा, 5 में से 4 बार फॉल्स रिपोर्ट दिखाएगा। और कह रहे कि क्योंकि हमारे पास सफिशियंट नहीं है तो हम लोगों को बैच में पूल करेंगे। अब यहाँ पे नीचे आना, पूल टेस्ट, पूलिंग ऑफ सैंपल्स इन्वॉल्व्स टेस्टिंग देम इन बैचेस। एक इंसान पे एक टेस्ट किया जा रहा है तो इतना गलत हो रहा है, तो जब लोगों को बैच में डिवाइड कर दिया जाएगा तो सोचो उसमें कितना गलत रिपोर्ट आएगा। खुद कह रहे हैं पूलिंग ऑफ सैंपल्स इन्वॉल्व्स टेस्टिंग देम इन बैचेस, बैच में लोगों को बैच में बना देना। फॉर एग्जाम्पल 12 लोग हैं तो क्योंकि इनके पास टेस्ट किट नहीं है तो कम से कम टेस्ट किट यूज़ करके लोगों का टेस्ट करेंगे। क्या है मतलब, क्या है कि 12 लोगों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे, 4 4 4, टोटल 12 है ना, तो 4 को एक टेस्ट किट से यूज़ किया जाएगा, फिर इन 4 को एक टेस्ट किट, इन 4 को एक टेस्ट किट, समझ रहे हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपना कमेंट कुछ नहीं दूंगा, आप खुद समझोगे किस लेवल का बेवकूफ़ स्टेप्स उठाया जा रहा है। तो एक बैच अगर पॉजिटिव आएगा तब जाके ये इंडिविजुअल टेस्ट को एक्सेस करेगा। एन एल्गोरिथम इज फाउंड दैट अनस्क्रैम्बल्स द टेस्ट रिजल्ट्स एंड टेल यू विच ऑफ द इंडिविजुअल इन द पूल्स आर पॉजिटिव। मतलब जैसा कि मैंने बताया कि 4 इंसान को एक कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, और 4 इंसान को एक। एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस कि कैसे बैच में लोगों को डिवाइड कर करके पूल करते हैं, तब जाके टेस्ट करते हैं। तो एक बैच का सपोज पॉजिटिव आया, तब जाके उन 4 लोगों में से जो जो पॉजिटिव है उनको डिटरमाइन करने के लिए ये एल्गोरिदम यूज़ करते हैं। खुद सोचो जब एक टेस्ट किट आपको फेक पॉजिटिव दिखा सकता है तो एल्गोरिदम कितना फेक पॉजिटिव दिखाएगा। और उतना ही नहीं, अभी एंड्रॉयड एप्लीकेशन का तो अभी सुना ही नहीं है, नीचे ही लिखा है एंड्रॉयड एप्लीकेशन। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन बताएगा कि आप पॉजिटिव हो या नहीं, और ये क्यों हो रहा है उसके लिए यहाँ पे देखो। इन इफेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट that need to be carried out is less than if there had been the test done for each individual. क्योंकि ये जानते हैं कि इनके पास enough samples, enough test kit नहीं है, इसीलिए लोगों को batch कर रहे हैं, क्योंकि इनका test kit बचे और fake positive का report ज़्यादा है। अब मैं फिर से क्या इसमें कह रहा हूँ कि सारे doctors और nurse इसमें involved है, बिल्कुल भी नहीं। जो order दे रहा है वो घटिया इंसान है, जो order दे रहा है कि test करो, वो जानता है कि ये गलत है, क्योंकि obviously वो direct कर रहा है कि लोगों को test करो, तो वो ऑब्वियसली इस पोजीशन में है कि उसको पता है कि यहाँ पे सच क्या है। लेकिन क्योंकि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस्ड होता है ना, तो
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बिल गेट्स का मैंने जो जोड़ी को मैंने एक्सपोज किया है उसको तो आप चाहो तो देख सकते हो। खुद सोचो कि जब जब लिटरल टेस्ट करना फेक पॉजिटिव दिखा सकता है तो लोगों को बैच में डिवाइड करके इंडिविजुअली एल्गोरिदम के थ्रू आप टेस्ट करोगे तो कितना फेक रिपोर्ट आएगा, कितना फॉल्स रिपोर्ट आएगा, जबकि आप ऐसी चीज़ को ढूंढ रहे हो जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, इनका बेसिक गड़बड़ नहीं है, इनका बेसिक है ही नहीं। अब यहाँ पे नीचे ध्यान दो, सबसे इम्पोर्टेंट द एंड्रॉयड एप्लीकेशन नेम ब्योम BYOM स्मार्ट टेस्टिंग विच वॉज डेवलप्ड बाय Shop 101 guides the user on how to perform the test. The technician enters how many samples they want to test and the prevalence rate. They are given a pooling matrix. Samples are pooled according to the pooling matrix. Pooled are tested and the quantitative reading from this test is entered into our algorithm, which reconstructs the list of positives, negatives and their viral loads, says Manoj Gopal Krishnan from IIT Bombay and corresponding author of the preprint posted in MedRxiv server. Preprints are yet to be peer reviewed. अभी सारा आर्टिकल आप पढ़ के खुद समझ सकते हो क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन बताएगा कि एंड्रॉयड एप्लीकेशन BYOM स्मार्ट टेस्टिंग आपको बताएगा कि आपको कैसे टेस्ट कंडक्ट करना है और कैसे वो जो टेस्ट आएगा उसको पूल में डालना है और पूल मतलब बैच करना है। बैच करके आपको एल्गोरिदम के थ्रू आपको बताया जाएगा ये कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। ताली बजाने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है इन लोगों के। इस लेवल का इडियोसिटी और बेवकूफ़ी चल रही तो लोग पॉजिटिव क्यों नहीं आएंगे? जो इंसान COVID-19 जाओ टेस्ट तो पॉजिटिव ही आएगा, अच्छी COVID-19 जाओ पॉजिटिव ही आएगा, तो लोग नॉर्मल सर्दी खांसी की वजह से क्यों पॉजिटिव नहीं आएंगे? जबकि क्योंकि इनको घंटा आइडिया नहीं है कि ये क्या ढूंढ रहे क्या नहीं ढूंढ रहे। खुद सोचो इस बात को। एक बात याद है ना, 2-3 महीने पहले फ्लू सीजन था और सिम्टम्स क्या था, क्योंकि इनके पास स्पेसिफिक सिम्टम्स है नहीं तो सिम्टम्स क्या है, सर्दी खांसी जैसा सिम्टम आएगा, जाओ सर्दी खांसी टेस्टिंग कराने, पॉजिटिव आएगा, मेजोरिटी टाइम पॉजिटिव आएगा, तो नंबर ऑफ केसेस क्यों नहीं बढ़ेंगे, कैसे नहीं बढ़ेंगे? ये तो एक बेवकूफ़ समझ सकता है कि कैसे नहीं बढ़ेंगे। इस लोग कैसे मर रहे इसको समझाने के लिए सीधा सीधा मुझे आपको करप्शन का फैक्टर इसमें लाना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं आपको यहीं पे छोड़ता हूँ। पार्ट टू में मैं आपको बताऊँगा कि लोग कैसे मर रहे, डेथ सर्टिफिकेट में लोगों का कैसे फेक कोई, अरे जो इंसान सुसाइड करके मर जाता है उसके डेथ सर्टिफिकेट में COVID-19 लिखा जा रहा है। और मैं आपको एक्सक्लूसिव अंडरकवर नर्स का एक वीडियो दिखाऊंगा, जो नर्स हिडन कैमरा लेके अपने जिस हॉस्पिटल में वो काम करती है उसमें दिखाती है कि कैसे स्कैम चल रहा है, कितना फेक है। और जो डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व होने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं ना कि ये गलत है, जानते हैं कि वो गलत है, क्यों? क्योंकि वायरस कभी एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये SARS-CoV-2 वायरस कभी एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। टेस्टिंग यूज़ कर रहे हैं जो ऐसा टेस्ट जो यूज़ करने लायक है नहीं, फॉल्स पॉजिटिव दिखाएगा। और टेस्ट भी क्या कर रहे हैं, एक ऐसा इमेजिनरी वायरस ढूंढ रहे जो साइंटिस्ट खुद नहीं ढूंढ पाए। और टेस्ट भी कैसे यूज़ कर रहे हैं, दिख रहे हो ना, पूलिंग करके, बैच करके, एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज़ करके, एल्गोरिदम यूज़ करके, क्यों? क्योंकि टेस्टिंग किट नहीं है। और ऊपर से बेवकूफ़ी इडियोसिटी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करो, इसीलिए ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं ना। मैं फिर से एक कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ, सारे डॉक्टर्स, नर्स, लैब मिनिस्टर्स, हेल्थ मिनिस्टर्स इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उनका इन्वॉल्व होना ज़रूरी भी नहीं। सीधा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जब एक अनपढ़ गंवार मिनिस्टर एक पढ़े लिखे IPS को बेवकूफ़ जैसा ऑर्डर देता है ना, तो उस पढ़े लिखे IPS ऑफिसर को ना वो करना ही पड़ता है उनके ड्यूटी के लिए, समझे? ये काम हो रहा है। जो सारा मैंने अभी आपको एविडेंस शेयर किया, ये सारा एविडेंस मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप जाके देख लेना। पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कैसे जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते ये स्कैम में, उनको जॉब से निकाल दिया जा रहा है, और जो वैक्सीन को एक्सपोज कर रहे हैं उनके वीडियोस डिलीट हो रहे हैं, उनका चैनल डिलीट हो रहा है, उनको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डीप्लेटफॉर्म कर दिया जा रहा है, उनका ट्विटर अकाउंट डीएक्टिवेट, यूट्यूब चैनल डीएक्टिवेट, मिलियन सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स डिलीट हो रहे हैं। और जब ऐसा वायरस जो एग्जिस्ट भी नहीं करता, इसका सेकेंड वेव कैसे आएगा, मैं समझाना ज़रा। अब वैक्सीन किस चीज़ का बन रहा है, और वैक्सीन के साथ ही जब हम जान गए कि ये वायरस एग्जिस्ट भी नहीं करता,
क्यों कह रहे हैं कि डिजिटल क्वांटम टैटू आपके दिमाग आपके बॉडी में घुसा दिया जाएगा, वो अलाउ करेगा कि आप कहीं जाओगे या नहीं जाओगे, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे रिसर्च में जितने एविडेंस मैंने देखा, जितने एविडेंस मैंने, जितना फैक्ट, जितना प्रूफ मैंने मुझे मिला, मैंने आपको शेयर किया, आप चाहो तो देख सकते हो, मैंने अभी आपको सारा कुछ बताया। अब इस एविडेंस, फैक्ट्स और प्रूफ का आप क्या करोगे, ये आपके हाथ में। अब अगर आपको ये वीडियो में मैंने जो भी आपको शेयर किया, अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ हेल्प मी इन शेयरिंग दिस, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट। अगर सही लगता है तो प्लीज़ इसको शेयर कर देना, जहाँ आप शेयर कर सकते हो शेयर कर देना। अगर सही नहीं लगता तो कुछ मत करो, जो न्यूज़ दिखा रही है वही देखो। और अगर आप अपने खुद का रिसर्च करना चाहते हो तो सल्यूट है आपको कि आप खुद का रिसर्च करना चाहते हो। बेस्ट ऑफ लक। मेरे इस कॉन्टेंट से अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे मैंने वीडियोस डाल रखे हैं जो इन्होंने अभी डिलीट नहीं किया है, 12 वीडियोस इन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन बहुत सारे हैं जो इन्फॉर्मेटिव है, आप देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मैंने बहुत सारे एविडेंस शेयर किए, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं चीज़ें शेयर कर सकता हूँ और मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं मिलेगा, लेकिन यूट्यूब पे मिल जाता है, तो इंस्टाग्राम पे मैं बहुत सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। अगर आपको पसंद है, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आके वहाँ पे बस देखना मुझे, आपका मैं नहीं कह रहा कि आके फॉलो करो, आके सब्सक्राइब करो, मुझे आपके फॉलो और सब्सक्राइबर्स चाहिए भी नहीं, लेकिन जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को ध्यान से सुनो, देखो, और इन्फॉर्मेटिव लगे तो शेयर करो, सारा कंक्लूजन आप ड्रॉ करो, क्योंकि आपके लिए कंक्लूजन मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, मैं नहीं बताऊँगा कि आपको क्या मानना है क्या नहीं मानना, आप खुद समझदार हो यार। इन्फॉर्मेशन देखो, जो सही लगे वो मानो, जो सही नहीं लगे उसको रेजिस्ट करो। पार्ट टू में इससे भी ज़्यादा भयानक इन्फॉर्मेशन आएंगे। When we go into the autumn, fall and into the winter, what starts happening? Snotty noses, coughs, flu, pneumonia, respiratory problems. Can you imagine the hysteria that will take place as all those things are designated COVID-19 and the second wave has come?